अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट साइन यहाँ पर होते हैं माइनस थर्टी डिवाइडेड बाई दोनों के साइन अलग अलग है तो क्वेश्चन हमेशा माइनस साइन के साथ आएगा थर्टी डिवाइडेड बाई माइनस यहाँ पर डिविडेंट तो पॉजिटिव है बट डिवाइजर माइनस साइन के साथ है दैट मीन्स दोनों के साइन अलग अलग है थर्टी के सामने कोई साइन नहीं दैट मीन्स ये प्लस का है और सिक्स के सामने क्या है माइनस तो जब भी टू इंटीजर्स के साइन अलग अलग होते हैं और डिवीजन परफॉर्म करते हैं, तो क्वेश्चन हमेशा आता है, माइनस साइन के साथ आता है। तो इन दोनों ही रूल्स को हम फॉलो करते, करते, करते क्वेश्चन नंबर वन डिटरमाइन वेदर इज क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना बस ये डिटरमाइन करना है कि वो नाइन है जो कि पॉजिटिव है और डिविडेंड भी पॉजिटिव है यहाँ पर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है दैट मीन क्वेश्चन पॉजिटिव होगा बी माइनस थर्टी टू डिडेड बाई फोर यहाँ पर डिविडेंड माइनस साइन के साथ है जबकि डिवाइजर पॉजिटिव है तो दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर निगेटिव होगा सी में फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई माइनस नाइन यहाँ पर भी फोर्टी फाइव पॉजिटिव इंटीजर है माइनस नाइन निगेटिव इंटीजर है तो, दोनों, तो दोनों, दोनों इंटीजर के साइन डिफरेंट है तो यहां पर भी क्वेश्चन होगा माइनस सिक्सटी फाइव डिवाइडेड बाई माइनस थर्टीन यहां पर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है यहां पर दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है बिकॉज दोनों ही क्या है निगेटिव है तो यहां पर क्वेश्चन पॉजिटिव होगा ई माइनस सिक्सटी टू डिड बाई सेवन यहां पर डिविडेंड माइनस साइन के साथ है जबकि डिवाइजर पॉजिटिव है तो दोनों के साइन अलग अलग हैं तो यहां पर भी क्वेश्चन होगा एफ ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई माइनस सेवन यहाँ पर ट्वेंटी क्या है प्लस जहां पर कोई साइन नहीं लिखा होता तो उसे हम क्या मानते हैं प्लस मानते हैं तो ट्वेंटी एट क्या है पॉजिटिव है सेवन निगेटिव है दोनों के साइन अलग अलग है साइन डिफरेंट है तो यहां पर भी क्वेश्चन निगेटिव होगा माइनस फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस एट यहां पर दोनों ही इंटीजर माइनस साइन के साथ हैं दैट मीन्स दोनों ही इंटीजर के साइन सेम है तो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा एच माइनस नाइनटी डिवाइडेड बाई माइनस सेवन यहाँ पर भी दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हैं सो क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव तो यहां पर पॉजिटिव क्वेश्चन मिलेगा आई देखते हैं सेकंड क्वेश्चन डिवाइड एंड फाइंड ईच क्वेश्चन यहां पर डिवाइड करके क्वेश्चन को फाइंड करना है तो में दिया है थर्टी डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ पे भी सिंपली डिवाइड कर लेंगे जा क्या होता है दैट को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर नाइनटीन आएगा यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स के साइन सेम है वो तो पॉजिटिव होगा तो नाइनटीन के सामने हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे वो पॉजिटिव नाइनटीन होगा यहाँ पर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री तो थ्री टू जिक्स तो यहाँ पर टू आएगा थ्री की टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे हम तो टू टाइम्स में सिक्स आ जाता है थ्री जा सिक्स अब दोनों इंटीजर के साइन क्या है डिफरेंट है, है और थ्री का साइन प्लस है तो दोनों ही होगी एट टू जो सिक्सटीन तो पहले तो हम रिगार्डलेस ऑफ साइन साइन को इग्नोर करते डिवाइड कर लेते हैं तो एट टू जो सिक्सटीन तो यहाँ पर टू आएगा अब दोनों इंटीजर के साइन क्या है अलग अलग है क्वेश्चन क्या होगा निगेटिव होगा तो यहां पर हम माइनस का साइन और प्लेस करें तो क्वेश्चन होगा माइनस टू डी में थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस फोर तो यहां पर साइन को इग्नोर करते हुए डिवाइड करते हैं तो थर्टी सिक्स को फोर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी नाइन अब साइन होगा कौन सा अब क्वेश्चन पॉजिटिव होगा निगेटिव तो डिपेंड करेगा दोनों इंटीजर के साइन क्या सेम है तो सेम नहीं है दोनों के साइन डिफरेंट थर्टी सिक्स का साइन प्लस है जबकि फोर का साइन माइनस है दैट दोनों ही के ही साइन डिफरेंट तो यहां पर माइनस साइन प्लेस होगा तो क्वेश्चन होगा माइनस नाइन फोर्टी डिवाइडेड बाई माइनस सेवन यहां पर दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं तो क्वेश्चन माइनस साइन के साथ आएगा और वैल्यू क्या होगी तो फोर्टी नाइन को हम सेवन से डिवाइड करते हैं अब साइन को इग्नोर करते हुए फोर्टी नाइन को सेवन से डिवाइड करेंगे सेवन सेवन जा

अब दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन में माइनस लगाना होगा हमारा फाइनल क्या आएगा? ह, 80 बाई तो सिक्सटीन तो फाइवी होता है तो यहां पर फाइव देखेंगे अब दोनों इंटीजर के साइन क्या है अलग अलग तो क्वेश्चन हो, होगा दैट मीनस क्वेश्चन होगा माइनस फाइव क्वेश्चन नंबर थर्ड डिवाइड एंड फाइंड ईच क्वेश्चन ए में दिया है माइनस एट डिवाइडेड बाय माइनस फोर यहाँ पर डिवाइजर भी माइनस साइन के साथ है और डिविडेंड भी माइनस साइन के साथ है दैट मींस दोनों के ही साइन सेम है तो क्वेश्चन आएगा पॉजिटिव माइनस साइन उसमें नहीं आएगा अब वैल्यू क्या होगी तो रिगार्डलेस ऑफ साइन साइन को इग्नोर करते हुए आप डिवाइड करेंगे एट को फोर से तो आएगा टू तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर टू बी माइनस डिवाइडेड बाई माइनस तो यहाँ पर भी दोनों ही इंटीजर्स के साइन सेम है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा अब वैल्यूज की क्या होगी तो इग्नोरिंग द साइन साइन को आप इग्नोर करिए और फिर डिवाइड करिए 63 को 9 से 9 से 7 63 तो यहाँ पर 7 रखेंगे और ये पॉजिटिव ही होगा c में 128 -16 तो पहले तो हम साइन को इग्नोर करते हुए डिवाइड कर लेते हैं 128 को 16 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आएगी यहां पर एट अब साइन क्या होगा उसका दोनों इंटीजर के साइन सेम होते हैं, तो पॉजिटिव होता दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग होंगे तो निगेटिव होगा तो यहां पर दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं डिवाइजर दैट है साथ है और डिविडेंट दैट मीनस वन हंड्रेड ट्वेंटी एट प्लस साइन के साथ है तो दोनों के साइन अलग अलग हैं तो क्वेश्चन माइनस साइन के साथ होगा तो यहां पर वैल्यू होगी माइनस एट डी दोनों के ही साइन सेम है दैट क्वेश्चन तो पॉजिटिव होगा और वैल्यू क्या होगी अब साइन को इग्नोर करते हुए रिगार्डलेस ऑफ साइन डिवीजन परफॉर्म करेंगे डिवाइडेड वैल्यू आएगी 4. और क्वेश्चन क्या होना है? होना है है पॉजिटिव तो फोर ही हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा ई माइनस ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई थ्री तो या तो आप पहले डिवाइड कर लीजिए या पहले आप साइन प्लेस कर लीजिए तो देखिए दोनों के ही साइन डिफरेंट है एक पॉजिटिव है थ्री यहाँ पर पॉजिटिव है और ट्वेंटी सेवन माइनस साइन के साथ है दैट तो जब दोनों ही इंटीजर्स के साइन डिफरेंट होते हैं तो क्वेश्चन के साथ, साथ आता है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे अब वैल्यू क्या होगी अब रिगार्डलेस ऑफ साइन साइन को आप भूल जाइए साइन को इग्नोर कर दीजिए अब अब डिवाइड करिए ट्वेंटी सेवन को थ्री से वैल्यू आएगी नाइन और ये माइनस है तो माइनस नाइन दैट मीन्स क्वेश्चन होगा माइनस नाइन एफ में दिया है एट्टी फोर डिवाइडेड बाई माइनस फोर्टीन अब यहां पर दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो क्वेश्चन और वैल्यू क्या होगी को डिवाइड करेंगे फोर्टीन से तो वैल्यू आएगी सिक्स और ये माइनस साइन था माइनस सिक्स तो, तो यहां पर क्वेश्चन होगा माइनस सिक्स जी माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस एट्टीन तो दोनों इंटीजर के साइन सेम है तो क्वेश्चन तो पॉजिटिव होगा उसकी वैल्यू क्या होगी तो अब रिगार्डलेस ऑफ साइन साइन को भूलते हुए डिवाइड करिए को 18 से तो वैल्यू आएगी 7, और वैल्यू तो 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 क्या होगी तो अब यहाँ पर साइन को इग्नोर करते हुए फोर हंड्रेड को डिवाइड करिए तो वैल्यू आएगी ट्वेंटी होगा यहाँ पर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर फोर इवेलुएट ए प्लस माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई एट यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशन एक्सप्रेशन में दिए हैं यहाँ पर हमें एडिशन भी परफॉर्म करना है डिवीजन भी परफॉर्म करना है तो बोर्ड मास का रूल हमने पढ़ा है अगर बेसिक ऑपरेशन की बात करें डिवीजन मल्टीपिकेशन एडिशन सब्टन में तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है डिवीजन की आप सबसे पहले डिविजन परफॉर्म करेंगे उसके बाद अगर एक्सप्रेशन में मल्टीपिकेशन है तो उसे परफॉर्म करेंगे उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब तो यहां पर भी ए में टेन प्लस माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई एट है तो पहले डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद ही कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इसे सॉल्व करते हैं तो यहां पर टेन प्लस माइनस फोर्टी डिवाइडेड बाई एट तो यहां पर पहले डिवीजन परफॉर्म किया जाएगा तो पहले तो टेन लिख लेते हैं ये प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं अब माइनस फोर्टी को एट से डिवाइड करेंगे तो दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं दैट मीनस क्वेश्चन निगेटिव आएगा तो माइनस साइन लगा लेते हैं क्योंकि माइनस साइन के साथ आएगा वो तो एट फाइव तो लिखेंगे तो जब भी एडिशन होता है दोनों इंटीजर्स के साइन डिफरेंट होते हैं अपोजिट होते हैं तो उनकी एपसरूट वैल्यू का परफॉर्म करते हैं तो टेन की टेन माइनस फाइव की टेन और फाइव और का डिफरेंस आएगा फाइव तो यहाँ लिखेंगे 5, अब ये रिजल्ट होगा डिपेंड करेगा दोनों की की जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी उसी का साइन हम प्लेस करते हैं सम तो है, है। तो है, है तो है में सेवन बाई तो यहां पर दो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन तो हमेशा पहले डिविजन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा अगर बेसिक ऑपरेशन की बात करें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन एडिशन, में पहले परफॉर्म किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाता तो है तो माइनस सेवन लिख देंगे अब 15 को करेंगे -5 से। तो दोनों के अलग अलग है तो इनका क्वेश्चन माइनस साइन के साथ आएगा तो यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं और वैल्यू क्या होगी अब साइन को हटाते हुए इग्नोर करते हुए माइनस सेवन मल्टीप्लाइड विथ माइनस थ्री सॉल्व करना है दोनों इंटीजर के साइन सेम है दैट मीनस प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और वैल्यू क्या होगी सेवन थ्री जर ट्वेंटी वन तो यहाँ ट्वेंटी वन होगा इसका रिजल्ट सी में दिया है माइनस सेवेंटी टू डिवाइडेड बाई माइनस नाइन इंटू फाइव c में माइनस सेवनटी टू डिडेड बाई माइनस नाइन मल्टीप्लाइड विद फाइव तो यहाँ पर टू ऑपरेशन है डिवीजन का ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन तो प्रायोरिटी क्या होती है डिवीजन के ऑपरेशन की तो पहले हम डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इक्वल वैल्यू होगी तो तो इक्वल का साइन प्लेस करेंगे अब से सॉल्व करते हैं तो दोनों के साइन क्या है सेम है सेवनटी टू भी माइनस साइन के साथ है नाइन भी माइनस साइन के साथ है तो क्वेश्चन होगा पॉजिटिव दैट मीन्स वहाँ पे माइनस नहीं आएगा पॉजिटिव होगा और वैल्यू क्या होगी Nine, eight, 72. अब साइन को इग्नोर करते हुए डिवाइड करते हैं 72 को 9 से तो 8 आता है फिर ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन प्लेस करेंगे और ये फाइव है तो फाइव लिखेंगे अब एट फाइव जा फोर्टी ऐसे डी में ट्वेंटी प्लस सेवन मल्टीप्लाई विथ एट डिड बाई माइनस टू तो पहले हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन तो ट्वेंटी को इट इज लिख देंगे प्लस है तो प्लस सेवन को एच लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन है तो एडीज लगा देंगे अब इसको डिवाइड करते हैं एट डिवाइडेड बाई माइनस टू तो एट पॉजिटिव है और टू माइनस साइन के साथ है दैट मीन्स डिवीजन में दोनों इंटीजर्स क्या है अलग अलग साइन के हैं तो माइनस साइन के साथ आएगा तो माइनस साइन लिख लगा लेते हैं यहाँ पर अब रिगार्डलेस आप हटा दीजिए इग्नोर कर दीजिए अब डिवाइड करिए तो टू फोर जट तो यहाँ पर वैल्यू आएगी फोर तो एट डिवाइडेड बाई माइनस टू क्या हुआ माइनस फोर नेक्स्ट स्टेप में एडिशन और मल्टीपिकेशन दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने तो पहले हम परफॉर्म करेंगे मल्टीपिकेशन तो ट्वेंटी इज लिखा जाएगा प्लस है तो प्लस यहाँ पर एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं डिफरेंट है अपोजिट हैं है, तो प्रोडक्ट निगेटिव होगा तो उसके लिए माइनस साइन लगा लेते हैं और वैल्यू क्या होगी अब साइन को इग्नोर करते हुए मल्टीप्लाई करिए सेवन फोर जो ट्वेंटी एट तो यहाँ लिखेंगे ट्वेंटी एट

28 की, क्योंकि साइन तो उसी का आएगा जिसकी है. 28 का है, और ये है तो यहाँ पर माइनस प्लेस करेंगे तो यहाँ पर इवेल्यूएट कर लिया है हमने और रिजल्ट आया है माइनस एट इस तरह से क्वेश्चन नंबर फोर भी हमने सॉल्व कर लिया है इसी के साथ सेल्फ प्रैक्टिस वन डी कम्प्लीट होती है नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ प्रैक्टिस वन ई सोल्व करेंगे